नमस्कार, मैं माधवी सिंह, मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाना बताऊंगी। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। आप कितना भी ले सकते हैं, आप तो जितना जरूरत हो, लेकिन मैंने आधा किलो लिया है। अब ये कद्दू को मैं, ये कई तरह के रहते हैं, जैसे ये पीला है, एक लाल होता है जब पक जाता है तो लाल हो जाता है, और एक हरा होता है जब कच्चा रहता है। ये भी कच्चा ही है, लेकिन इसका ये जो छिलका है ना, ये बहुत कड़क है, इसलिए मैं छिलके को निकाल दूंगी। और यदि नरम छिलका रहे तो आप मत निकालिए। छिलके को मैं इस तरह से निकाल लूंगी, ये बहुत कड़क है। और इस छिलके की भी अलग से सब्जी बनती है, प्याज डाल के बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। अभी कद्दू को मैंने छील लिया है, अब इसे हम थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में, एकदम ज्यादा बड़े भी नहीं, इस साइज में काट लेंगे। और ये जो इसका ये जो कच्चा रहता है ना पल्प, वो निकाल देंगे। इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। जो बीच में ये जो पल्प रहता है ना इसके, तो ये निकाल देते हैं। अब इसी तरह मैं सारे कद्दू को काट लूंगी। अभी कद्दू को मैंने काट के और इसे धो लिया है। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए पहले हम ये थोड़ा सा मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा है, और ये 2 चम्मच गुड़। ये खट्टी मीठी मैं सब्जी बनाऊंगी, इसलिए 2 चम्मच गुड़ को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट के रखा है। अब ये इमली गुड़ को भी मैं इसी में डाल दूंगी, और इसे अभी साइड में रख देंगे। अब गैस में एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें ऑयल डाल दूंगी, 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। आप यदि सरसों का तेल खाते हो तो सरसों के तेल से बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन मैं तो ये मूंगफली के तेल से बना रही हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे कि आधा चम्मच से थोड़ा कम मेथी दाना, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें ये थोड़ा सा हींग डाल दूंगी। और ये राई जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 हमने हरी मिर्ची बारीक काट के रखी थी वो। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने हरा धनिया धो के और काट के रखा था, इसमें से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसमें ये बघारते समय ही डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कद्दू डाल देंगे। ये मैं खट्टा मीठा कद्दू बना रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के और इसे ढक्कन लगा देंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, वैसे पहले कम ही डालते हैं क्योंकि कद्दू कम हो जाता है बनने के बाद। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम खोल के देख लेंगे, इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे जले नहीं, और फ्लेम को मीडियम रखना, एकदम हाई नहीं करना, नहीं तो वो जल जाएगा नीचे से। अब इसे हम फिर से ढक देंगे। अब ये जब तक कद्दू हमारा पक रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच में डाल दूंगी धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे रख देंगे और कद्दू को देखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें फिर से हम ढक्कन लगा देंगे और पकने देंगे। अब मैं एक बार ढक्कन खोल के और देखती हूँ।
अभी मसाला हमारा भुन गया है, अब कद्दू देखते हैं पका कि 50% हो गया है। और कई कद्दू क्या रहते हैं कि पानी बहुत छोड़ते हैं, लेकिन ये वाला कद्दू थोड़ा इसमें कम पानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये अच्छी तरह से गल जाए। 50% तो हो गया है, ये जो मसाले वाला था उसे हमें बस इतना ही डालेंगे। अब इसे फिर से हम ढक देंगे। अब ये जो इमली थी ये भी भीग गई है, अब इसे हम हाथ से ऐसे ऐसे मसाल देंगे। इसमें बीज नहीं था, ये बीज वाली नहीं थी, बिना बीज वाली थी। यदि आपकी बीज वाली हो तो ऐसे मसल के और बीज हटा दीजिएगा एकदम। इसी में मैंने गुड़ भी मिला दिया था, तो जब ये कद्दू हो जाएगा तो फिर हम डाल देंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि पहले नहीं डालना इमली, क्योंकि इमली जो कोई भी खटाई पहले डालने से पकता नहीं है। फिर जैसे हम कद्दू में डाल देते पहले इमली, तो ये जल्दी नहीं पकता, बहुत टाइम लगाता पकने में, इसलिए इसको बाद में डालना। अब मैं देखती हूँ, अभी कद्दू हमारा पक गया है, ये देखिए ये पक गया है। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको इस टाइप का रहना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ कद्दू, एकदम मैश नहीं करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने इमली और गुड़ मिला के रखा था ये डाल देंगे। और इसे थोड़ा सा अच्छे से उबाल लेंगे, मैंने पका लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये डाल दूंगी चिली फ्लेक्स, मैंने मिर्ची को ऐसे कूट के रखा था, इसमें क्या देखने में अच्छा लगता है। अभी कद्दू हमारा बन के तैयार है, ये देखिए कितना बढ़िया खट्टा मीठा कद्दू बन गया है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। ये कद्दू पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और चावल से भी अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ आप बना के देखिएगा और खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।